प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ हो, कभी भी मिले हुए, तो हरीश चौधरी जीवन के अंदर कभी भी किसी से माफ़ी मांग लेगा। ये मुलाकात किसी भी इसमें हुई, हरीश चौधरी कभी भी हनुमान बेनीवाल से रेलवे स्टेशन के ऊपर इस तरीके से नहीं मिला, नहीं कभी भी नहीं मिला। अच्छा, और कोई भी जहाँ भी जिस किसी पर मेरे को विश्वास है, मुझे मंदिर के अंदर या जनता के बीच में कराकर और ये कर। और जब वो बाढ़ में आए थे तो वो सीधे तौर पर आप पे और तमाम आप पे और जो कांग्रेस के जो विधायक है उन पे ये सीधा आरोप लगाते हैं कि ये सारी ठेकेदार के साथ में साठ गांठ है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आज मौके तहत कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती? तो किसके बारे में ये जब आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं कांग्रेस नहीं हूँ क्या? तो पूरे राजस्थान के अंदर कह रहा हूँ, जब मेरे से सवाल कर रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे आप कांग्रेस ही नहीं मान रहे हो तो मैं माफ। आज नागौर के अंदर उनकी खुद के जिले के अंदर राजस्थान की तुलना के अंदर महंगी है या सस्ती है, ये सवाल मैं सीधा उनसे करना चाहता हूँ। जो सर कल मैं कैलाश चौधरी का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि साढ़े चार साल के अंदर, मैंने पूछा, मैंने कहा हरीश जी ने काफ़ी विकास करा है, बोले भाई तू का तो विकास नहीं हुआ, रिफाइनरी के ऊपर उन्होंने आपको लेकर आरोप लगाए, क्या कुछ उसका जवाब देना? आप हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगाते थे, मैंने उसी सवाल पूछा, आप बार बार आज से तीन चार महीने पहले आरोप लगाते थे जहाँ पर भी सभा में जाते थे कि अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है हनुमान बेनीवाल, उसका हनुमान गजेंद्र सिंह जी खीवसर और गजेंद्र सिंह जी की शेखावत के पेशा के ऊपर जीती, वो अच्छी तरह से हो जाए। उसके बाद आते हैं हनुमान बेनीवाल है, वो राजस्थान में इन दिनों मतलब आठ रैलियां कर रहे हैं लगातार, बजरी को लेकर विशेष तौर से और किसानों को लेकर, बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं, रात रात भर दे रहे हैं। और जब वो बाड़मेर आए थे तो वो सीधे तौर पर आप पे और तमाम आप पे और जो कांग्रेस के जो विधायक है उन पे ये सीधा आरोप लगाते हैं कि ये सारी ठेकेदार के साथ में साठ गांठ है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आज ठेकेदारों के साथ के साथ गांठ बाड़मेर के किसी जनप्रतिनिधि की है तो राजस्थान के अंदर सबसे सस्ती बजरी बाड़मेर में क्यों है? आज नागौर के अंदर उनकी खुद के जिले के अंदर राजस्थान की तुलना के अंदर महंगी है या सस्ती है, ये सवाल मैं सीधा उनसे करना चाहता हूँ। जो टाइमिंग उन्होंने तय करी है और जो विजिलेंस और उन सबकी बात कर रहे हैं, मैं सीधा सवाल उनसे करना चाहता हूँ कि जुलाई और अगस्त के अंदर, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर कोई जानकारी रखना चाहता है, उनको सबको पता है कि जुलाई और अगस्त के अंदर खनन नहीं हो सकता है। आज जो गरीब किसान अपने ट्रैक्टर से परिवहन कर सकता है वो कानूनन तौर पर माइनिंग कर नहीं कर सकता है। आज विजिलेंस बुलाकर आज उनके ऊपर कार्रवाई करना नहीं, गरीब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना दो। आज 48 टन से ज़्यादा किसी का भी स्टॉक है वो कानूनन तौर के ऊपर, कोई स्टॉक का कोई मकान बना रहा है वो भी कानूनी तौर के ऊपर नहीं कर सकता है। आज स्टॉक का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन ठेकेदारों के पास है जो लीज धारक है, और ये अधिकार किसने दिया वो उनको भी पता है, ये अधिकार किसी सरकारों ने नहीं दिया, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया और NGT ने दिया। तो आज ये दो महीने के अंदर किसी प्रकार के विकास के काम और किसी व्यक्तिगत काम के लिए इकलौता सूत्र वो स्टॉक है, तो आज ये विवाद है। आपको क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, क्यों आरोप लगा रहा है? ये नियम है पत्रकार महोदय, ये नियम है, कोई भी नियम का अध्ययन करने की अगर चेष्टा रखेगा, नियम सबको पता है। जब उनके पास सिर्फ एकाधिकार है स्टॉक रखने का, किसी के पास भी हर तरह की पाबंदी है, सुप्रीम कोर्ट और NGT की तरफ से पाबंदी की, कोई खनन नहीं कर सकता है, तो किसके पास अधिकार है? जो नियमों के तहत कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती, तो किसके बारे में? ये जब आप मेरे से सवाल कर रहे हो मैं कांग्रेस नहीं हूँ क्या? तो वो पूरे राजस्थान के अंदर कह रहा हूँ, जब मेरे से सवाल कर रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे आप कांग्रेस ही नहीं मान रहे हो तो मैं माफी चाहता हूँ कि आप सर्टिफिकेट दो, जो दोगे वो मुझे लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस की तरफ, मैं कांग्रेसी हूँ, आज मेरे को आपने सवाल किया, आज से पहले सवाल करते तो मैं इसका उत्तर देता। सर कल मैं कैलाश चौधरी का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे थे कि साढ़े चार साल के अंदर, मैंने पूछा, मैंने कहा हरीश जी ने काफ़ी विकास करा है, बोले भाई तू का तो विकास नहीं हुआ, रिफाइनरी के ऊपर उन्होंने आपको लेकर आरोप लगाए, क्या कुछ उसका जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं जवाब क्या देना चाहता हूँ, आदरणीय कैलाश चौधरी जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप खुद तुलना कर ले, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कितना भाई तू के अंदर विकास हुआ, चिकित्सा से के क्षेत्र के अंदर कितना विकास हुआ, बिजली में कितना विकास हुआ अपने कार्यकाल और अभी का, सड़कों में कितना है अपने कार्यकाल अपने से, कॉलेज के अंदर अपने कार्यकाल और अपने से, किसी भी क्षेत्र के अंदर आपको तुलना कर लो, और वो सर्टिफिकेट आप स्वयं को दे दो और वो सर्टिफिकेट मुझे भी दे दो। जब आप कह रहे हो भाई तुम्हें विकास नहीं कर रहा, तो मैं ये अधिकार आपको दे रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपको तुलना कर लो, और सर्टिफिकेट एक आप अपने पास दे दो और एक मेरे पास दे दो, और आपको मेरे पास आपके नंबर है ही है, तो मैं आपके नंबर के माध्यम से आपको मुझे दे दो।
आप हनुमान बेनीवाल पे आरोप लगाते थे, मैंने उसी सवाल पूछा, आप बार बार आज से 3-4 महीने पहले आरोप लगाते थे जहां पर भी सभा में जाते थे कि अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है हनुमान बेनीवाल। उसका हनुमान बेनीवाल ने मुझे जवाब जो दिया, मैं वो बता रहा हूं आपको, कहा है कि जब उपचुनाव था खीवसर के अंदर, उस वक्त हरीश जी, और हरीश जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी मेरे भाई को हरवाने के लिए, लेकिन वो हरवा नहीं पाए, इसीलिए हरीश चौधरी इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, ये उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा। देखो, मैंने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने के लिए। हम चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ते, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते। वो चुनाव किनके बैसाखियों के ऊपर वो चुनाव जीते ये पूरी दुनिया जानती। भारतीय जनता पार्टी के बैसाखियों पर वो चुनाव जीते। वो चुनाव गजेंद्र सिंह जी खीवसर और गजेंद्र सिंह जी की शेखावत के बैसाखियों पर जीते, वो अच्छी तरह से वो जानते। अगर वो चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हाँ, चुनाव के अंदर मैं राजनीतिक दल के सदस्यों में जहाँ भी मेरे ड्यूटी लगती है, मैं ईमानदारी से करता हूँ, उसमें किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। और जो मेरे राय चुनाव के अंदर मेरा कोई विरोध करने आते हैं या किसी का पक्ष करने आते हैं, मैं भी उनसे नाराज नहीं होता हूँ। लोकतंत्र तो अपने अपने तौर तरीके से हर कोई चुनाव लड़ सकते हैं। आरएलपी कह रही है 80 सीटें जीतेगी इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में, क्या कुछ कहेंगे? ये हनुमान जी ने हमारे इंटरव्यू में कहा 80 सीटें जीतेगी। हनुमान जी कितने दावे करते हैं, उन दावों का धरातल में क्या आधार रहता है, क्या नतीजा रहता है, ये हनुमान जी को कोई भी ट्रैक करेगा वो सब अच्छी तरह से पता है। उनकी बातें कितनी रहती है, उन बातों की सच्चाई कितनी रहती है, उन बातों की जड़ कितनी रहती है। कहते हैं कि आपके अशोक गहलोत पॉलिटिकल पापा है, वो कोई किस्सा बताते हैं ट्रेन का किस्सा, उस बात में कितनी सच्चाई है? अगर इस प्रकार का कोई घटनाक्रम हुआ हो, कभी भी मिले हुए, तो हरीश चौधरी जीवन के अंदर कभी भी किसी से माफी मांग लेगा। ये झूठ और निराधार बातें उनको खुद को पता है, उनका खुद का हर समय ये चीज रहती है कि निराधार और झूठ बात करनी। अगर किस कभी भी इसमें हुई है तो वो उनसे पूछे कि कब हुई, कभी भी वो नहीं मिले। 93 की बात कर रहे हैं, 93 के अंदर किसी भी प्रकार की इस तरह की मुलाकात किसी भी नहीं हुई। हरीश चौधरी कभी भी हनुमान बेनीवाल से रेलवे स्टेशन के ऊपर इस तरीके से नहीं मिले, नहीं कभी भी नहीं मिला। अच्छा, और कोई भी जहाँ भी जिस किसी पर मेरे को विश्वास है, मुझे मंदिर के अंदर या जनता के बीच में कराकर और ये कर ले, निराधार है, झूठ है। इनका सिर्फ और सिर्फ ये तौर तरीका रहता है कि बिना आधार के आरोप लगाना,